अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मोहम्मद शौकत मेरे भाई का नाम है, किशनबाग अल्लाह मस्जिद की पैदाइश है हम लोग की। जो इस सुबह में इंतकाल हुआ मेरे भाई का, अशमहल में ईदगाह में हमारा कब्रस्तान है बाप दादा का पूरा। तो अभी कुछ सिस्टमेटिक अलग बना दिए गए थे वो लोग। तो सुबह फ़ोन करा था, मैं इंतकाल हो गया, मेरे को रिसीप दियो बोल के चिट्ठी देते। तो मेरे को बोले इंतकाल हो गया, मैं यहाँ पे चिराखली नगर में आ गया, पहले अल्लाह मस्जिद में था एक महीना हुआ इधर आके, फिर अल्लाह किशनबाग में था एक महीना हो गया इधर आके। अब जो है सो ये लोग मेरे को जो है सो दो घंटे से मेरे को फोन आ कर रहा, तो छुट्टी नहीं दे रहे। अभी वो लीडरों के पास में फोन करा मैं, जिसके पास फोन करा आखिरी में मौजम खान साहब जी, जो चिट्ठी जो देते ना लीडर साहब उनके पास में नंबर लेकर फोन करा, नाम नहीं मालूम मेरे को, फोन करा था मैं किशनबाग के लीडर है, बहरहाल मैं उनको फोन करा था। और जो से बाद में मेरे को समझ में नहीं आया, दो घंटे के बाद में मैं मौजम खान साहब को फोन करा, मौजम खान साहब बोले मैं कुछ भी करता हूँ बोले। तो मैं बोला साहब मेरे भाई का ऐसा इंतकाल हो गया, मैं जो सो दो घंटे से परेशान हूँ, खबर खोदने के ऐसे डेड बॉडी मेरे पर घर में रखे हुए, माता रखी हुई है, अगर नहीं बोले तो उन्होंने जो मेरे को एक सवाल करे इंतकाल हो गया तो चिराखली नगर के है बोल के वहाँ पे नहीं बोलना बोले। क्यों बोलेंगे? क्योंकि पैदाइशी अल्लाह मस्जिद की है हमारी, अब हम घर भेज दिए थोड़े दिन और भेज दे के। दूसरी बात क्या है बोले तो यहाँ पे इंतकाल हो एक महीना हुआ नहीं लाके चिराखली नगर में लाके, अब इंतकाल अचानक हो गया तो क्या करेंगे? अब वहाँ जगह दिए बोले तो जगह गैस से प्रॉब्लम हो रहा। अभी मैं हूँ, मेरा भाई है, अभी पूरा खानदान है मेरा, बाप दादा पूरा खानदान है, वैसा कुछ भी नहीं है। अब नहीं लेने की सूरत में चिराखली नगर में, अब यहाँ पे जो सो चिराखली नगर में बात करें, दो तीन जने बात करें तो क्या नाम है कि भाई का वो खबर खोदने वाले भाई का जैनू भाई बोले यहाँ पे मिल जाता, मैं बात करता हूँ बोल के बोले। तो मैं गड़बड़ी में था, उन्होंने खबर खोदना चालू कर दिए उधर, चालू कर नहीं नहीं मेरे को तो अभी खोद रहे हो, यहाँ पे हो गया इंतजाम बोल के चालू होगा बोले। तो मैं गड़बड़ी में था उधर, पैसों का तलब करे मैं कुछ भी नहीं बोले, पैसों का कहीं भी तलब नहीं करे, गड़बड़ी में था मैं उधर। थोड़ी देर के बाद मालूम हुआ कि वहाँ पे खोदे जगह दो खबर है, वहाँ पे नको खोदो बोल के बोले, तो बंद हो गया वहाँ पे। तो उसके बाद में और एक जगह खोदे, खोदने के बाद में पत्थर निकल गया, वो भी बंद कर दिए। फिर उसके बाद में बोला शाना मोहम्मद शाहनवाज खान है, मैं चिरागली नगर का रहने वाला हूँ। ये जो चिरागली नगर में कब्रस्तान है जिसकी तब्दीन के लिए अभी इशू हुआ था, ह्यूमर जो अननेसेसरी फॉल्स न्यूज फैला रहे थे जिसकी वजह से खबर नहीं मिल रही, खबर के मुतवल्ली जो है खबर नहीं दे रहे बोल के फॉल्स न्यूज फैलाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम आए आके देखे, देखने के बाद जो है यहाँ पे जो खुदाई करते वो लोग जो काम कर रहे हैं, खबर खोदती है पहले विदाउट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जो है हम आके देखने के बाद वो खबर में ऑलरेडी मुर्दे थे, यानी तब्दीन ऑलरेडी हुई थी एक आठ दस दिन पहले। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जगह और एक जगह दिए थे जहाँ पे चट्टान निकलने की वजह से खबर वो भी मुझ दिए। अब दूसरी जगह जो जगह दिए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अब तब्दीन हो रही है, असर में इंशाल्लाह जो भी है फॉल्स न्यूज है इसके ऊपर। नहीं, पहले आप लोग जो खबर खोदे थे उसको रोके, उसका मतलब क्या है रोकने का? ये रोकने का मतलब कुछ भी नहीं है, उसके अंदर ऑलरेडी जो है तीन मुर्दे है दफन, ठीक है, उसकी वजह से वो खबर मूज के हम दूसरी जगह दिए थे, ठीक है। वो लोग जो है फॉल्स न्यूज फैला के उसको बताना ये चाह रहे थे कि मुतवल्ली ने जगह नहीं दिए, वो नहीं दिए बोल के बताना चाह रहे थे। यानी कि आप किसी को रोके नहीं? किसी को रोके नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जो है आज तक कभी किसी दिन हम लोग ने लिए। यहाँ के मुतवल्ली जो है मोहम्मद जहांगीर खान है, जहांगीर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, आज नहीं 50 साल से उन्हीं देख रहे अल्हम्दुलिल्लाह। दरगाह भी है चिरागली नगर में, चिरागली बाबा बोल के, वो भी उनकी निगरानी में है, मैं उनका छोटा फर्जन शाहनवाज हूँ। और अब कोई इतना इशू नहीं है कि कोई बड़ा एक्शन नहीं है। बनाने के लिए आप पैसे भी ले रहे हैं मिलके सुने? नहीं नहीं, ये सब फॉल्स न्यूज है अल्हम्दुलिल्लाह, आज नहीं 35-40 साल से इसमें कभी किसी दिन हम किसी मुर्दे को नहीं रोके, कहीं से भी आने दो अल्हम्दुलिल्लाह हम जगह दिए। पिछले सालों में कुछ कंप्लेंट भी हुआ था कब्रिस्तान के कुछ दफन करने वालों के ऊपर, उसका ऐसा विषय में वो विदाउट इन्फॉर्मेशन आएंगे कहाँ से कि वो जो है हम जो रहता ना ओल्ड एज होम के लोगों को लाके दफना रहे थे, तो हमारे को न्यूज मिली थी उस टाइम पे, हम भी जाके कंप्लेंट कर रहे थे तो उनको भी वार्निंग दिए थे पीएस में कि नेक्स्ट टाइम नहीं करना बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इश्यू सॉल्व हो गया था, लेकिन अब जो यहाँ पे खुदाई जो कर रहे हैं उनको ऑलरेडी वार्न कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अब क्या करे विदाउट इन्फॉर्मेशन खबर खोदे। कौन है खुदाई करने वाले? ये जैनू बोल के नाम है उनका और उनके भाई है छोटे गुलाम। तो ये कमेटी के मेंबर है? नहीं नहीं, कमेटी का कोई मेंबर नहीं है। लोग बस जो पहले उनके वाली साहब को दिए थे
तो ये लोग क्या जो बस्ती के लोग हैं थोड़ा पहचान इतने जाते कि लाए थोड़े पैसे ले लिए खोद ले रहे थे खबर, तो उसके ऊपर भी जरा हम कंप्लेन करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा एरिया ऐसा भी है? ये चिराग अली नगर बहादुरपुरा किशनबाग रोड। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट पीपल, ऑल अंडर वन रूफ, अंडर ट्री ऑफ नॉलेज। दिस इज सक्सेस जूनियर कॉलेज। सक्सेस जूनियर कॉलेज, academic excellence with reasonable fee structure, excellent highly qualified faculty, well furnished and hygienic classrooms. I am Partha Sarvi, principal Success Junior College. Nowadays all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.